बिजनौर के बुल्ला के चौराहे पर जर्जर अवस्था में हाई टेंशन तार पशु पर जा गिरा, जिसकी वजह से जलकर पशु की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गनीमत यह रही कि पशु मालिक इस हादसे में बाल बाल बच निकला। गुस्साए लोगों ने रोड को जाम करते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से मुआवजे की मांग की। नाम सलीम अख्तर है। क्या हादसा हुआ, कैसा हादसा हुआ, कौन जिम्मेदारी इस हादसे के लिए? ये जो 11,000 की लाइन, ये जो अभी कुछ दिन पहले ऊपर थोड़ी सी शिफ्ट हुई थी, और 11,000 की लाइन जब शिफ्ट करी तो नया कोई तार नहीं डाला गया इसके अंदर। ये सारे जो पुराने जर्जर तार थे उन्हीं तारों को ऊपर जो है कर दिया गया, और इसके अंदर वहाँ से लेकर वहाँ तक कई सारे जोड़ है, और ये जोड़ ही खुला है, और जो जोड़ खुल के जो है ये कटर बुकी के ऊपर आके गिरा, और उस बेचारे का रोजगार का कोई साधन नहीं, कटर बुकी के अलावा उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। उसके घर में कटरे के साथ साथ उसका रोजगार भी खत्म हो गया। सर मुआवजा इनका कैसे मिलेगा लोगों को? मुआवजे के ये जय साहब हमारे खड़े हैं, और भी डिपार्टमेंटल लोगों से सबसे जो है ये कोशिश करी जाएगी कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने की कोशिश करी जाए, डिपार्टमेंटल स्तर से भी और सरकार स्तर से। रोज हादसा हो रहा है, बिजली विभाग की लगातार यहाँ जो बिजली स्तर की जो व्यवस्था बहुत तार जर्जर हालत में है, कई साल पुराने तार है, कोई भी तार अभी तक बदले नहीं गए हैं, और उन्हीं पे जो है लगातार ये 11,000 की लाइन उन्हीं पे चल रही है।